अपनी मांगों को लेकर रसोइया संघ द्वारा किया गया एक दिवसीय धरना। जी हां नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज रिपोर्ट। रोहतास के नोखा प्रखंड मुख्यालय के बीआरसी केंद्र पर अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस समर्थन में रसोइया संघ ने शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय नोखा पर धरना दिया। गौरतलब हो कि रसोइया संघ का अपना मांग को लेकर हड़ताल जारी है। अपने हड़ताल में समर्थन में रसोइयों संघ ने प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया। धरना का नेतृत्व रोहतास जिला रसोइया संघ के जिला अध्यक्ष कंचन कुमारी ने की। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। रसोइयों संघ को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा। अपनी मांगों को लेकर अपील की है और धरना के मुख्य रूप से प्रखंड सहित सभी रसोइया संघ के लोग उपस्थित थे। आज आप लोग धरना पे हैं? जी हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग धरना पे हैं। हम लोग धरना इसलिए, मैं आज यहाँ पे छबीलापुर के रहने वाली श्रीमती कंचन देवी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ और मैं रसोइया संघ की रहने वाली हूँ। हम मेरा कहना यही है कि हड़ताल है, हड़ताल हम लोग देखिए 1000 में कुछ नहीं होने लगा, ना दवा दारू कुछ नहीं हो रही है और ना बच्चा पढ़ रहा है ना कुछ हो रहा है। बस हम लोग नीति से हमको यही कहना है कि मतलब 1000 से कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग को 10000 वेतन मानदेय बढ़ाएं। साल में दो बार मान्यता दीजिए, हम लोग को सरकार का मान्यता ही चाहिए, सरकारी तो 12 महीना का वेतन चाहिए, 12 महीना का वेतन चाहिए, 10 महीने का वेतन।